वालेकुम साजिद भट्ट, आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आज की डिश स्पेशल कद्दू गोश्त बनाने जा रहे हैं, तो आइए मुलाहिज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूल्हे को आग लगा दी हमने, कढ़ाई रखी है, एक पाव आयल हमने डाल लिया है। तो सबसे पहले इसमें हम प्याज डालेंगे। तीन दाने प्याज के दरमियाने आपने बारीक काट लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा प्याज सुनहरी हो रहा है। अब हम इसमें पिसा हुआ लहसुन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन और अदरक, ये देखें हमारा लहसुन भी ब्राउन हो चुका है। अब हमने पिसे हुए टमाटर चार दाने इसमें डाल देने हैं। थोड़ा सा यखनी वाला पानी डाल दें। तीन चम्मच छोटी सुर्ख मिर्च की, दो चम्मच नमक, दो चम्मच हल्दी आप इसमें डाल दें। अपनी ग्रेवी तैयार कर लें। इसके बाद ये जब हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, हमने अलग गोश्त हमने 2 किलो लिया है, आधा किलो कद्दू लिए हैं, ये आप देखें, ये हमने उबाल कर कद्दू साथ डालें और गोश्त हमने जो है ना कुकर में उबाल लिया है। अब हम इसको भुनेंगे। अब आपने इसमें गोश्त की बनाई करनी है। आपने जो गोश्त उबाला है, मटन या बीफ आपने उबाला है, साथ ही आपने 4-5 दाने दालचीनी के डाले हैं, मोटी इलायची 3-4 दाने और सब्ज़ इलायची, ये आप उबालते वक्त साथ ही डाल दें, फिर जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखें हमारे गोश्त की बनाई हो चुकी है, ऑयल निकल आ गया है, हल्की आंच पर इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा भुनें, तकरीबन 20 मिनट तक। माशाल्लाह आज की हमारी डिश कद्दू गोश्त तैयार हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करते हैं आज की हमारी डिश आपको बहुत पसंद आई होगी। डिश के अलावा आपसे तमाम बहनों भाइयों से लाजमी बातचीत करनी है कि आज जो बीमारी कोरोना वायरस की आ चुकी है, आप लोगों से मेरी खसूसी इल्तिजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घरों में रहें, हाथ साबुन से धोएं, ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपने घरों में रहना है, एहतियात करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों यारों को शेयर करें। साजिद भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।